हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत इजी तरह से HSN कोड किसी भी प्रोडक्ट का कैसे फाइंड करते हैं वो देखने वाले हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं और हम लोग HSN कोड नहीं ऐड कर पा रहे या फाइंड नहीं कर पा रहे, तो ये काफ़ी क्रिटिकल मैटर होता है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से एक पर्टिकुलर हर आइटम को एक नंबर दिया गया है जो उनके कैटेगराइजेशन में उनके GST और उनके रेट्स के अकॉर्डिंग दिया गया, स्पेसिफाइड प्रोडक्ट और उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए सबसे मेन पार्ट होता है कि मैं उसके HSN को जानूं, मैंडेटरी पार्ट। अब हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक डिफरेंट HSN है और उस HSN को अगर हम नहीं डालेंगे तो हमारी कोई भी लिस्टिंग कहीं पर भी एक्टिवली पार्ट नहीं कर पाएगी। पार्ट का मतलब है एक्टिवली लिस्ट नहीं हो पाएगी। HSN कोड ढूंढना काफ़ी इजी होता है, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से एक बुकलेट दी गई है जो कि एक्चुअली में 176 पेजेस की है। काफ़ी सारे HSN हैं, ये इंडिया में जितने भी प्रोडक्ट हैं वो इन ही कैटेगरीज में आती है। इसके HSN रेफरेंस वाले देखिए, रेफरेंस वाले सारे HSN यहाँ दिए हुए हैं और उनका डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स भी बताया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर आप फुटवेयर सर्च कर रहे हो, ठीक है। अब देखिए, कई सारे फुटवेयर होता है, फुटवेयर में बेसिकली एसेसरीज भी होती हैं, वो अलग कैटेगरी है। एसेसरी में अगर वुडन पार्ट का है तो वो अलग कैटेगरी होगी, अगर प्लास्टिक का है तो वो अलग कैटेगरी में जाएगा। देन आपका पॉलिश आती है जैसे यहाँ दिख रहा है, देन आपके आते हैं कि उसमें फाइबर्स किस तरीके के, अगर वो नेचुरल है, वीगन आइटम है या प्रोडक्ट है वो अलग कैटेगरी में जाएगा, अगर वो सिंथेटिक है वो अलग आ रहा है। और सेम फुटवेयर में भी स्लिपर्स होते हैं वो अलग है, सैंडल्स है वो अलग कैटेगरी है, शू है अगेन अलग HSN होगा। अब आपको देखना है कि आप किस कैटेगरी में डालोगे। तो बेसिकली फुटवेयर का यहाँ से दिख रहा है मेरे को 64 एक बेसिक नंबर है, फुटवेयर हैविंग अ रिटेल प्राइस नॉट एक्सीडिंग 500 रुपीज़, तो ये एक बेसिक इसका नंबर आ गया। अब मेरे को ये देखना है कि स्पेसिफिकली क्या आ रहा है। वाटरप्रूफ फुटवेयर विद आउटसोल्स एंड रबर ऑफ रबर और प्लास्टिक, अगर इसका है तो हम लोग उसमें यूज़ करेंगे 6401। इसके अलावा कुछ है देखिए, 6402 में भी फुटवेयर है, 3 में भी है, 4 में भी है, 5 में भी है, जिस भी आपकी कैटेगरी में आ रहा है आपको वो ऐड करना है। दूसरे तौर से किचन का कुछ प्रोडक्ट है, ठीक है, किचन के बेसिकली 13 टाइप के ये दिख रहे हैं ना हमारे को, 13 टाइप के कैटेगराइजेशन है, जिस भी कैटेगरी में मेरा आ रहा है मेरे को वहाँ से देख के लगा देना है। अगर मेरे को ये तरीका नहीं समझ आता तो मैं, ये गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, यहाँ से भी देख के निकाल सकता हूँ। जैसे मैंने ढूंढा था किचन या नाइफ, देखते हैं अब डिस्क्रिप्शन क्या है। डिस्क्रिप्शन में ये डालिए किस तरीके से वो यूज़ होता है, जैसे वो होता है किचन में, ठीक है। तो देखिए ये सारे आ गए, ये ही मैंने पहले बताया था। अब यहाँ पर मैं डालता हूँ स्लिपर, अगर आप स्लिपर को अकेला ढूंढना चाहेंगे तो शायद नहीं मिलेगा। अच्छा ये आ रहा है, नहीं मेरे हिसाब से ये नहीं है, वापस देखते हैं, देखिए ये नहीं आ रहा। अब इसी के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन में मैं उसको फुटवेयर डालता हूँ, ठीक है। यहाँ मेरे को सारी चीज़ें दिख गई, ठीक है, जो भी आपके कैटेगराइजेशन के अकॉर्डिंग है आप वो ऐड करेंगे। जैसे मैंने बताया ना, हर पर्टिकुलर कैटेगरी पर अलग GST लग रहा है। जैसे यहाँ पे था फुटवेयर ऑफ सेल नॉट एक्सीडिंग 1000 pair, वो 12% आ रहा है। ये मेरे हिसाब से काफ़ी पुरानी बुकलेट है, 2017 की है जब आई थी, इसके अलावा भी अपडेटेड है, मैं अभी तक इसी को रेफ़र कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज मेरे को उनके HSN निकालने होते हैं। जो अपडेटेड है वो भी आपको इसी पोर्टल पर मिल जाएगी, ठीक है। अगर ये भी आपसे नहीं हो रहा तो गूगल पर जाइए, सिंपल है, स्लिपर HSN कोड मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। रबर सोल विथ कैनवास अपर प्रोडक्ट जो भी है वो मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं देखूँ नाइफ, किचन नाइफ, ठीक है, वो दिखा दिया। नाइफ्स एंड कटिंग ब्लेड्स वो 8202 में आ रहा है। अच्छा चलिए मैं म्यूज़िक का सामान देखता हूँ, गिटार, गिटार का भी ये आ गया। ऐसे ही करके इजीली मैं HSN कोड किसी भी आइटम के देख सकता हूँ। अगर मेरे को ऑनलाइन सेल करना है मेरे को HSN कोड पता ही होने चाहिए। जो भी मैंने यहाँ पे बताया वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, रेफ़र कर लीजिएगा।
अपने हेल्प के लिए बहुत ईजी तरह से हम लोग चीज़ें समझ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।